तो नमस्कार प्रणाम, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और फिलहाल अभी हम लोग अपने घर से 35 किलोमीटर दूर बाबा महेंद्रनाथ के मंदिर पे आ चुके हैं। यहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हैं और भगवान शिव पे जल चढ़ाने के लिए सभी लोग आए हुए हैं। कुछ भीड़ देख रहे हैं आप लोग, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग आज बाबा के नगरी में आकर बाबा के ऊपर जल अर्पण करेंगे। तो सबसे पहले आज है सावन का पहला सोमारी और पहला सोमारी पर देख रहे हैं कि किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है बाबा के इस मंदिर परिसर के अंदर। बहुत दूर दूर से लोग भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पण करने आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से लोग। यह एक शिव मंदिर है और माना जाता है कि नेपाल के राजा के द्वारा 16वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। माना जाता है कि नेपाल के राजा को कुष्ठ रोग हुआ था और कुष्ठ रोग से उन्होंने इसी मंदिर में निजात पाया था, जिसके उपलक्ष्य में इस मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया था। आज सोमवार है और सोमवार के दिन यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ होता है और ख़ास करके अभी सावन चल रहा है। भीड़ भाड़ के अंदर अपने सामान का रक्षा स्वयं करना चाहिए। अगर आप अपने सामान का रक्षा नहीं करेंगे तो यहाँ पर भक्त के रूप में कुछ चोर लोग भी घूमते हैं, जो कि आपके गहना और आपके पर्स मोबाइल मार सकते हैं, तो इससे सावधान जरूर रहना होगा। छोटे पंडा जी के द्वारा चंदन लगाना इस पूरे वीडियो के सबसे सुंदर दृश्य मेरे को ये लगा। चलिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस मंदिर पर आखिर हम लोग किस तरह से आएंगे, आने के लिए कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। तो यह मंदिर छपरा जंक्शन से 35 किलोमीटर दूर है और सिवान जंक्शन से भी 35 किलोमीटर दूर है, यानी कि यह मंदिर छपरा और सिवान के बीचों बीच में स्थित है और नेशनल 531 से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ बस गाड़ी से आ सकते हैं, रिजर्व टैक्सी से आ सकते हैं और ट्रेन से भी दूर दराज से आ सकते हैं। लगभग 1 लाख से ऊपर लोग आज जल अर्पण करेंगे, तो कृपया करके सावधानी पूर्वक आप जल चढ़ाइए, ये नहीं कि घबरा कर पैर हाथ गोड़ हाथ तोड़ लीजिए। मंदिर परिसर के अंदर ही प्रसाद का दुकान है, वहाँ पर से आप प्रसाद खरीद सकते हैं और मंदिर परिसर के अंदर ही बहुत सारा खिलौना से लेके बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारे चीज़ें मिल जाती है। इस साइड में बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा तालाब है, जहाँ पर आप स्नान करेंगे और स्नान करके बाबा को जल चढ़ाएंगे। तो हर हर महादेव, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कोशिश करेंगे फिर अगला सोमवार को यहाँ का कुछ खूबसूरत नज़ारा आपके को दिखाएं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे लाल रंग के बटन दबाकर और जुड़ जाइए हमारे इस छोटे से फैमिली के साथ। हर हर महादेव।